अचानक कुछ नहीं हो रहा है। शांतनु, कैसी फिल्में देखते हैं आप? क्यों? ये लोग बातें कम करते और चिपकते ज्यादा। मुझे नहीं देखना ये सब। अरे देखो तो सही एक बार। मुझे शर्म आती है शांतनु। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है खनक, ये वही तो कर रहे हैं जो पूरी दुनिया करती है। आपको यही तरीका मिला था मुझे अंग्रेजी सिखाने का? अरे पूरा हिंदुस्तान ऐसे तो सीखा है अंग्रेजी। मैं तो कहता हूँ तुम भी इनकी तरह बनोगे। आपका मतलब है बेशर्म? अरे मेरे साथ बेशर्मी करने में कैसी शर्म? शांतनु प्लीज मुझे अंग्रेजी सीखनी है। ठीक है तो मुझे मेरी फीस चाहिए। फीस? तुम्हें मुझसे अंग्रेजी सीखनी है तो मेरी फीस देनी पड़ेगी। कैसी फीस? वो भी एडवांस में। मतलब शांतनु Okay, baby, it's fine. It's going to be okay. ये लीजिए। Sweet Lord of mine, ये क्या है? आटा और सेब। आप ही ने तो मांगा था। Are you like trying to kill me? मुझे पता है कि तुम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद करती हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे मारने की कोशिश करो। I don't believe it. She's trying to kill me. Oh my God, somebody save me, somebody. बचाओ! बचाओ! सुनिए, सुनिए, सुनिए। आप ही ने तो मांगा था आटा और सेब, इसलिए मैं लेकर आ गई। Have you like lost it? मैंने अजीब अजीब चीजें कब मंगवाई, मुझे तो याद ही नहीं पड़ रहा है। मैंने तो सिर्फ तुमसे ये कहा था कि मुझे रख। Oh my God! मैंने तुमसे aftershave मंगवाया था और तुम ये आटा सेब लेकर आई हो? Why? तुम कौन से प्लैनेट से हो मुझे बताओ? तुम झूठ बोल रही हो, तुम किसी और प्लैनेट से हो ना? Don't try to do this. मैं पागल हूँ, जाऊंगी तुम्हारे से। एक मिनट, अगर आपको मुझे कुछ बोलना है ना तो हिंदी में बोलिए, अंग्रेजी में नहीं। ये भारत है आपका, अमेरिका नहीं। और आप इतनी चिल्ला क्यों रही है? हम सबको सुनाई देता है, हम बहरे नहीं है। Really? स्वीजी, तुम्हें मेरा चिल्लाना बिल्कुल नहीं पसंद आया। Let me show you what else I can do, huh? Sada! क्या हुआ साशा? साशा, क्या हुआ? मुझे एक बात बताओ, तुम इस एलियन को कहाँ से लेकर आए हो? साशा, हुआ क्या है? ये बिल्कुल स्ट्रेंज है। You know, मैंने इससे कहा कि aftershave लेकर आओ और ये आटा और सेब लेकर आ गई। She is truly a masterpiece. एक काम करो, इसको एक फ्रेम में बांध कर टांग दो, ओके? लोग जब घर आते हैं तो उनसे पैसे मांगो इससे मिलने के लिए, ऑलराइट? और अगर इससे भी बेटर आइडिया चाहिए तो इसको अमेरिका भेज दो, वहां पर बहुत सारे फ्रीक्स हैं और बच्चों को तो फ्रीक शोज अच्छे लगते हैं ना, वो पैसे देते हैं और एंटरटेन होते हैं। और उस फ्रीक शो का नाम क्या होगा? Let me think. It's the काका शो। लेकिन साशा, तुमने आफ्टर शेव क्यों मांगा था? साशा, तुम चाहे तो मेरा आफ्टर शेव यूज कर लो ना। मैं तुम्हें लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में सुनाती हूँ, ओके? क्या हुआ कि मेरी जो फिंगर है ना, टूटू पे बूबू हो गया, ये देखो, इट हर्ट्स। यू नो, मैं अपना नेल फाइल कर रही थी, पता नहीं कब मैंने खुद को ही फाइल कर लिया। दिखा मुझे, बहुत चोट आई तुम्हें, बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें, ओह माय गॉड। स्टॉप सनी, मैं मरी नहीं हूँ अभी। इट्स जस्ट दिस थर्ड लाइन का सेकंड बिट जो है ना, वही दर्द कर रहा है। बट आई हैव टू टेल यू मैड्स, this little thing ये fit ही नहीं करती तुम्हारी family में। Oh my God, society में लोग क्या कहेंगे? मुझे तो actually बहुत चिंता हो रही है। एक काम करो, तुम इसको उसी planet पर छोड़ कर आओ जहाँ से लेकर आए थे। Let me think, what is it? Is this planet Dhoo? Dhoo, right? धूलवाड़ी। Whatever, the same. और आपको थोड़ी अंग्रेजी क्या आ गई? आप खुद को महान क्यों समझने लग गए? अंग्रेजी मुझे भी आती है। मुझे शांतनु ने अंग्रेजी में बोलना सिखाया है। Really darling, क्या सिखाया शान ने? Okay, just to test you, एक छोटा सा गेम खेलते हैं। मैं जो भी बोलूंगी तुम मेरे बाद वही बोलना, और अगर तुमने सही बोला, I promise you, मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी, और मैं अपने promises कभी नहीं रखती। हाँ, okay, so what's it? I say okay. My God, oof, can't handle this anyway. Watch, ये देखना, ठीक है? She sells seashells on the seashore. See?
just watch this again, huh? She sells seashells on the seashore. So, sea, se, sell? No, darling. She sells seashells on the seashore. Darling, तुम तो सी से आगे बढ़ ही नहीं रही हो. Guess what? I've got an idea. Let's go to D. D for duh. That's exactly what you are. ठीक है. माना मुझे अंग्रेजी नहीं आती. लेकिन आपको तो हिंदी आती है ना? तो आप ये बोलकर दिखाइए. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. छूटी, you cheat. ये K language है, ये Kurdish है ना? ये हिंदी नहीं है. But any which way, I'll try it. Okay. खड़क, खड़काता. खड़क, खड़कता. खड़क. Oh darling, it is खिड़कियाँ खड़कती है खड़क सिंह के खड़कने. What is the खिड़की now? Khidki is khidki. Oh, so Khadak Singh is khadkawing the... No, khidki is khadkawing Khadak Singh. Lovely, I'll try it again. Khadak Singh is khadkawing the khidki. Meko nahi aata ye. I can't do this, dekha. Main janti thi aap nahi bol payenge. Par aapko pata hai, main angrezi bolna sikhungi. Aur aisi angrezi bolungi, aapki bolti band ho jayegi. Really now, darling? Promise me. लगी रहो, तुम लगी रहो. जब तक दुनिया खत्म होगी तब तक तुम कर ही लोगी. और तब तक शायद मेरे बाद खुद ही खुद गोल्डन हो जाए. I'm still ready to wait my doll. ओह, मेरे बाल गोल्डन कितने गंदे लगेंगे ना. इश, is she upset? चेनी, मैंने अपना रेजिग्नेशन तैयार कर लिया है और मैं जीएम के कैबिन में गई थी, पर वो इस वक्त कैबिन में नहीं है. चेनी, मैं तुम्हारी दी हुई किताब पढ़ रहा था, उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई थी. विनर्स नेवर क्विट, यानी कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते. एंड क्विटर्स नेवर विन, हार मारने वाला कभी जीत नहीं पाता. चेनी, अगर मेरी नजर से देखो तो हमेशा से तुम एक विनर थे. एंड यू विल नॉट क्विट. तुम ये जॉब नहीं छोड़ोगी मेरे लिए. राहुल, मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं कर रही, हमारे लिए कर रही हूँ. क्योंकि इस वक्त तुमसे और मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये रिलेशनशिप है. तुमने कभी सोचा है, कभी ये सोचा है कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मेरे लिए ये रिलेशनशिप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इस रिलेशनशिप के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ. मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि जब भी मैं किसी से प्यार करूंगी तो उस रिलेशनशिप में अपना 100% दूंगी. और फिर तुम मेरी जिंदगी में है और तुम्हारे साथ आया प्यार का एक अजीब एहसास जिसे मैं हमेशा से फील करना चाहती थी. और अब तुम एक होके मैं वो एहसास नहीं खोना चाहती. राहुल, चली, ये एहसास तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा. तुम्हारा प्यार तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा. कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके लिए I'm sorry, Jenny. Again, I'm sorry. तुम्हारी एक दी हुई बुक में एक और बात लिखी थी कि नो रिलेशनशिप इज परफेक्ट. हर रिलेशनशिप को परफेक्ट बनाना पड़ता है, एक एक दिन से, एक एक पल से, एक एक एहसास के जरिए. मैं नहीं, हम इस रिलेशनशिप को बनाएंगे. तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? ठीक है, तो इस नए रिश्ते की तरफ पहला कदम मैं उठाता हूं.
जेनी, पुरानी बातों को प्लीज भूल जाओ, खासकर कल रात को। I'm really sorry for that. Are you ready for the new beginning? कैसा लग रहा है? लिटिल बेटर हनी बंच। यू नो मैं कितना डर गई थी, कितना रोई मैं, और मुझे डर ये था कि कहीं इन्फेक्शन हो गया तो मेरी उंगली काटेंगे, उसके बाद मेरा पूरा हाथ भी काट देंगे। ओह गॉड। नो सैश, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। ओह किल मी। याद है सैश, कॉलेज के दिनों में तुम्हारी उंगली पे ऐसी चोट लगी थी, कुछ कांच वाच? हाँ ऑफ कोर्स, मुझे याद है, मुझे याद है। मुझे ये याद नहीं कि कांच ही लगा था क्या, आई एम नॉट सो श्योर। लेकिन हाँ, तुम इतने स्वीट हो, तुम दौड़ कर आए थे और मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे। ओ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार था। हाँ इनफैक्ट अब भी हूँ। सुनील। साशा। सुनील। साश। सुनील। साशा। सुनील, क्या हो रहा है ये सब? वाह 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 वाह, क्या बात है, इतना लैविश खाना, क्या आज किसी का जन्मदिन है क्या घर पे? नहीं अक्षयपा, हर रोज जो खाना बनता है वो हम सबका पेट भरने के लिए बनता है, पर आज का ये खाना किसी और का मुंह बंद करने के लिए बनाया। Let me guess, कि ये एक और कौन है? साशा। जैसा कि हम लोग पिछले एक घंटे से डिस्कस कर रहे हैं कि हमें इस कंपनी और ऑफिस की इमेज बदलनी है। जेनी, आपसे शुरुआत करते हैं, तो बताइए कैसा चल रहा है रीडिजाइनिंग का काम? एक्सीलेंट, डिजाइन तो आपने देख ही लिए हैं। इनफैक्ट राहुल और मुझे, हम दोनों को ये लगता है कि एंट्रेंस और कॉन्फ्रेंस रूम, इनकी वॉल्स का कलर हमें नहीं बदलना चाहिए, ताकि क्लाइंट्स में और एम्प्लॉयज में फेमिलियरिटी थोड़ी बनी रहे। ओके, मिस्टर शर्मा, आपने उस नई एड एजेंसी से बात की? हाँ सर, वो इनफैक्ट राहुल और मुझे, हम दोनों को ये भी लगता है कि हमें अपनी कंपनी का लोगो कुछ ज़्यादा बदलना नहीं चाहिए, इससे लोग हमें नए नाम से भी बहुत जल्दी से पहचान लेंगे। क्यों राहुल? ऑल राइट, आज के लिए इतना काफी है। जेनी, लगता है आप और राहुल बहुत मेहनत कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पर। जी सर। वैसे राहुल का तुम में और तुम्हारे काम में इंटरेस्ट लेना लाजमी है, कभी हमारे ओपिनियंस भी ले लिया करो। क्यों राहुल? Of course, sir. Okay. राहुल, कॉफी पीने चले? राहुल, चलो ना साथ में कॉफी पीते हैं। जेनी, शायद तुम भूल रही हो, ये ऑफिस है और हम यहाँ काम करने आते हैं। नहीं राहुल, मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ, सिर्फ तुम्हारे। देखिए खाना तैयार है, कहाँ है आपके मेहमान? Here she is. Hello my darlings, hello. Please. Yeah. You are so charming, just kill me. खनक, पिटाश तुम्हारा सच्चा, आई मीन सच्चा टेस्ट है।
वाह, इतना सारा खाना। देखने में तो अच्छी लग रही है। अब साशा ये सारे डिशेस टेस्ट करके बताएगी कि खाना कैसे बना है। हाँ सासा मौसी, ये खाना आपके लिए बनाया गया है। और हाँ, पिछली बार जैसे आपने मुझसे वादा किया था कि मैं जो जो बनाऊंगी सब आपको खाना पड़ेगा, तो शुरू करें। Of course, darling. Bring it on. लेकिन उससे पहले सानी, you need to do me a favor. This is my phone. और मेरे फोन पर मेरे जो फिजिशियन है, पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर श्वार्ज़नेगर, उनका नंबर है, स्पीड डायल। अगर खाते खाते मुझे कुछ हो गया तो बस मुझे डायल करते ना। I'm a little worried. कुछ नहीं होगा, don't worry. Good luck. Well, साशा, हमारी खनक का बनाया हुआ खाना तुम्हें कैसा लगा? Terrible, horrible, very, very, very bad, pathetic. लेकिन तुमने इतना सारा खाना खाया, तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगा तुम्हें? सानी, तुम मेरा टेस्ट भूल गए हो, तुम्हें याद नहीं? I hate oil, I hate spices, I hate मिर्ची, it's horrible. तुम लोग ऐसे रोज खाना खाते हो? Very bad, very bad. And you know what, Kanak darling, ये जो dessert था, इसमें इतनी चीनी थी, मुझे लगा कि सारे neighborhood की चीनी मांगकर तुमने इसी में डाल दी है. It was so terrible, darling. अगर तुम रोज ऐसा खाओगी, तो तुम्हारी वो कमर है ना, वो कमरा बन जाएगा. आप मेरी कमर की बात छोड़िए, अपनी कमर का ख्याल कीजिए. हाँ, ये वहाँ पर संभाल कर रख दीजिए. क्या हो रहा है ये सब? चेनी, ये सब क्या है? हम यहाँ का कैबिनेट निकलवा रहे हैं और इन ट्रॉफीज को हम दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे फ्यूचर के म्यूजिक स्टार्स के बड़े बड़े पोस्टर्स लगेंगे. चेनी, वो सब तो ठीक है, पर ये हमारी ट्रॉफीज. चेनी, ये ट्रॉफीज मैंने जीती थी, मेरी टीम ने इसके लिए बहुत मेहनत की थी, इन सब का क्या? आई नो राहुल, पर देख, मैं रिनोवेट होने के बाद ना ये जगह बहुत अच्छी लगेगी. और इन ट्रॉफीज के लिए मैं एक स्पेशल कैबिनेट बनवा रही हूँ, बहुत अच्छे डिजाइन वाला. देखना, ये ट्रॉफीज वहां पर इतनी अच्छी लगेंगी कि रहने दो. राहुल रुको ना. नहीं जेनी, ये कैबिन मैंने अपने हाथों से बनवाया था, इसे टूटते हुए नहीं देख पाऊंगा. राहुल, ये सारे जीएम के डिजाइन्स हैं, उनके ऑर्डर्स हैं, मैंने कुछ नहीं किया. अब इतना खाना खाने के बाद आपको 12 घंटे योगा तो करना ही पड़ेगा. पापी, डोंट गिव मी जी फॉर ज्ञान, आई एम नॉट लाइकिंग. मैंने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि यू नो, बिकॉज यू आर द सेंटी टाइप्स, कहीं तुम रोने वोने ना लगो. अच्छा, ये जो खाली बर्तन है ना, ये इस बात का सबूत है कि आपको खाना बहुत अच्छा लगा. और यहाँ पे सब जानते हैं कि जीत किसकी हुई है. What language does she speak in? कोई मुझे बताओ. मैं पानी लेकर आती हूँ. Have to say, लड़की खाना तो अच्छा बनाती है, पर मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी. The war will go on, Desi girl.